नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ऑल इन वन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप वेयर यू कैन ट्रेड इन बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज एंड मेनी मोर। मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, इनफैक्ट यू कैन ट्रेड फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज वेंटेज ट्रेडिंग ऐप। एंड केवल इतना ही नहीं, अभी वेंटेज आपके लिए कुछ गिव अवे गिफ्ट्स भी लेके आया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज स्वैप ट्रेडिंग। स्वैप ट्रेडिंग क्या है? देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए, जब हम करेंसी पेयर बनाते हैं तो एक करेंसी ले रहे हैं, एक करेंसी दे रहे हैं, दैट मींस करेंसीज के एक्सचेंज को ही स्वैप ट्रेडिंग कहते हैं या फॉरेक्स स्वैप कह सकते हैं आप। अब इसमें ओवरनाइट फी क्या होती है, या फिर ये जो स्वैप फीस है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कितनी होती है और क्या है ये? इसको अगर मैं आपके साथ सिंपल भाषा में बोलूं तो आप जब भी कोई करेंसी पेयर बनाते हैं और उसको मोर देन वन नाइट होल्ड करते हैं, इनफैक्ट मोर देन नहीं, केवल एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं, मोर देन वन डे, तो वहां पे ओवरनाइट फीस लगती है। जो आपने एक रात पूरी अपने पास उस करेंसी पेयर को होल्ड कराया उसकी फीस लगती है। अब वो फीस कितनी होती है, तो ये फीस हर करेंसी पेयर की अलग होती है। हर करेंसी पेयर, जब भी आप कोई भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे जब आप ट्रेड करोगे तो वहां आपको क्लियरली मेंशन होगा कि भैया आपको इसकी इतनी फीस लगनी है। हर कंट्री का एक्सचेंज अपनी फीस बताता है, हर कंट्री की जो करेंसी है उसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इसलिए करेंसीज पे ओवरनाइट फीस जो है, जो करेंसी ट्रेड आप कर रहे हो उसकी ओवरनाइट फीस डिफरेंट होती है, वो आपको ट्रेड करते समय क्लियरली दिख जाती है कि आपकी करेंसी पेयर पे कितनी फीस लगने वाली है। तो ये तो हो गया व्हाट इज स्वैप ट्रेडिंग और ओवरनाइट फीस क्या होता है। अब अगर आगे बात करें तो स्वैप रेट क्या है। स्वैप रेट की बात करूं मैं यहाँ पे, ये सेम ही स्वैप फीस की तरह हो गया। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। मान के चलो आप यहाँ पे इतनी सारे स्क्रीन पे आपके साथ करेंसी पेयर्स दिख रहे हैं, इसमें किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, एंड उसके बाद ऊपर आपको सेकंड राइट कॉर्नर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके लिए क्लियरली चीजें दिख जाएंगी, लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइज, स्वैप फी, ट्रेडिंग टाइम, ट्रेडिंग डेज, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे क्लियरली सब कुछ ए टू जेड चीजें मेंशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बात की जाए तो पॉजिटिव स्वैप क्या होता है एंड नेगेटिव स्वैप क्या होता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉजिटिव स्वैप क्या है और नेगेटिव स्वैप क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने इनिशियल अपने वीडियो में बताया आपको कि हर कंट्री की करेंसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम INR USD, अगर INR की बात की जाए तो 5% का इंटरेस्ट है, और अगर USD की बात की जाए तो 7% का इंटरेस्ट है, तो 5-7 अगर आप करोगे तो -2 आएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्वैप ट्रेडिंग, यानी कि 2% आपका नेगेटिव जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल नेगेटिव स्वैप ट्रेडिंग का, ये एक एग्जांपल ही है, इसको कोई मतलब ऑफिशियली नहीं लेना है। नेक्स्ट, आपके अगर पॉजिटिव स्वैप की बात की जाए तो इसी को उल्टा कर दो, USD INR कर दो। अब USD का कितना है, 7% इंटरेस्ट, और INR का कितना है, 5% इंटरेस्ट, That means 7-5 आपका 2 positive आ गया, तो ये positive swap हो गया, आपको यहाँ पे 2% का directly कहीं ना कहीं benefit होगा, वो positive returns में show करेगा। तो ये positive swap और negative swap जो आप समझ चुके होगे अभी। अभी एक और यहाँ पे feature होता है, वो होता है swap free accounts। अब ये swap free accounts क्या होते हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब किसी भी पेयर में ट्रेड करते हो तो हर कंट्री की करेंसी का अलग अलग इंटरेस्ट है और आपको वही पे करना होता है, लेकिन swap free accounts में आपको किसी कंट्री के लिए स्वैप फी, ओवरनाइट फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल आपको एक डेली का फिक्स्ड चार्ज होता है, यानी कि फिक्स्ड किसी भी करेंसी पेयर में करो वो फिक्स चार्ज लगना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन फी होती है जो आपको फिक्स देनी है, और उसके बाद कोई आपके लिए चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ, वेंटेज कोई आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं देता है, वो आपको केवल ट्रेड करता है, और ओवरनाइट आप जो कैरी करते हो उसके लिए आपको फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। आगे बात की जाए, ECN एंड STP अकाउंट्स टाइप्स आर अवेलेबल फॉर स्वैप फ्री अकाउंट्स, यानी कि ये दो टाइप के अकाउंट है जहाँ पे आप स्वैप फ्री ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, स्वैप फ्री ट्रेड अकाउंट। अब आपको होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, स्वैप ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, स्वैप ट्रेडिंग क्या होती है एंड फॉरेक्स स्वैप भी किसे कहते हैं, और ये ओवरनाइट फीस क्या होती है, स्वैप फ्री अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वेंटेज ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप डायरेक्टली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए भी काफी सारे गिव अवेज भी चल रहे हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। ट्रेड कीजिए वेंटेज पे, कीजिए बेहतरीन ट्रेड, डाउनलोड कीजिए वेंटेज ऐप।